चैनल मैं पुष्पिता आज आपके लिए यूनिक सा कुशन कवर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये स्क्वायर शेप में कुशन कवर है, इसका डिज़ाइन मैं पैटर्न सारा चीज़ बताऊँगी आपको, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आसानी से आप बना सकते हो। चलिए आइए इसको बताते हैं कि क्या क्या मटेरियल लेना है इसके लिए। सबसे पहले तो इसके लिए आप सैटन या वेलवेट कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। इसके बाद जिस कलर का क्लॉथ लेंगे उसी कलर का धागा लेना है, प्लस मेजरिंग टेप आपको लेना है ये मार्क करने के लिए, और सीजर रूलर। बस इतने ही आइटम की आपको ज़रूरत है इसमें। चलिए आइए मैं इसका पैटर्न सबसे पहले आपको समझा दूँ कि कितना कितना कपड़ा लेना है और कितने मेज़रमेंट का कपड़ा लेंगे और कितना मेज़रमेंट बच जाएगा आपको। ये देखिए मैंने पैटर्न बना के रखा है इसका। सबसे पहले तो टोटल जो कपड़े की ये चौड़ाई हमको लेनी है, चौड़ाई स्क्वायर शेप में हमको ये कपड़ा लेना है स्क्वायर शेप में, और देखिए कि कितना कितना मेज़रमेंट लेना है। टोटल 82 सेंटीमीटर, टोटल जो कपड़े का लेंथ होगा वो 82 सेंटीमीटर होगा, प्लस जो डिज़ाइन फॉर्म होगी वो दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर, फोर साइड जो है 10-10-10-10, चारों साइड आप 10 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, और उसके बाद 62 सेंटीमीटर में ये आपका डिज़ाइन फॉर्म हो रहा है। उसको देखिए कि कैसे बनाना है डिज़ाइन। सबसे पहले ये ब्लॉक जो भी है वो 2-2 सेंटीमीटर का हमको ब्लॉक फॉर्म करना है ईच ब्लॉक, ये देखिए आप ये, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर का गैप है, फिर 2-2 सेंटीमीटर का है, फिर 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से टोटल हमको ब्लॉक फॉर्म करना है। ये देखिए कि आप इस तरह से फॉर्म करेंगे, ये 3 ब्लॉक हो गया, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 3 ब्लॉक, फिर 6 सेंटीमीटर, 3 ब्लॉक, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से टोटल, और 10 सेंटीमीटर इधर मार्जिन छोड़ना है, 10 सेंटीमीटर इधर मार्जिन, 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर इधर है आपका, ये टोटल हो गया। उसके बाद फिर कैसे इसको फॉर्म करना है ये देखिए, ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हमको करना है। ये जो है फर्स्ट ब्लॉक में अगर हम स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं, एक ब्लॉक छोड़ के फिर एक ब्लॉक, इस तरह से टोटल लास्ट तक करेंगे, फिर इसमें टोटल सिंगल ब्लॉक जो है पूरा ब्लैंक, फिर इस तरह से ब्लॉक में फॉर्मेशन करना है हमको। ये टोटल इस तरह से हमको बना लेना है, ये पूरा डिज़ाइन पैटर्न हम कपड़े पर बना लेंगे, और उसके बाद ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको आप ट्राई ज़रूर करेंगे। ये डिज़ाइन मैंने पूरा आपको पैटर्न दिखा दिया, ये देखिए मैंने बनाया है, ये 10 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर, इधर भी 10, और टोटल ये डिज़ाइन आपका इस तरह का पैटर्न बन के आएगा। ये देखिए मैं छोटे कपड़े में इसको सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, इजीली आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के कपड़े का यूज़ किया है और मार्क करके रखा है। टोटल आप देखिए कि मार्किंग मैंने उसी तरह से जैसे मार्किंग उसमें किया था वैसा ही मार्किंग इस पर करके रखा है, ये आप ध्यान से देख रहे होंगे ये पूरा मार्किंग। इसको कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगी, चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सब में लगभग एक ही टाइप का रहता है, केवल उसको फॉर्म करने में चेंजेस आते हैं। इस तरह से देखिए कि फर्स्ट स्टार्टिंग हम पहले इससे करेंगे, नेक्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, फिर हम फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे इसको, और इसको इस तरह से और दो पेटल्स को एक साइड करके हमेशा थ्रेड जो है डबल लेना है, और साथ ही साथ इसको दो बार हमको कंप्लीट करना है।
फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ये देखिए यहाँ, और यहाँ पर ये धागा हमको लूज छोड़ना है, तो इसके बाद हम इसमें एक बार और इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद ये धागा श्रिंक नहीं करेगा। उसके बाद इसको ऐसे करना है, ये देखिए ये चारों पेटल्स, उसके बाद दो पेटल को एक साइड कर, इसीलिए मैंने छोटे कपड़े का यूज़ किया है कि इसे इजीली आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो है इसमें कंप्लीट करना है, इस जगह पर हम दो बार मार्क करेंगे ऐसे, फिर ये हो गया, इस तरह से फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे और फिर दो पेटल्स जो है उसको पकड़ लेंगे और ऐसे, और दो बार तीन बार इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे इस तरह से फॉर्म होगा। इसके बाद जो ये सेकंड लाइन है इसे भी ऐसे ही करना है हमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से टोटल हमको कंप्लीट करना है। फिर ये नेक्स्ट लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट करना है और ये लाइन भी। इसके बाद ये डिज़ाइन आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ये डिज़ाइन फॉर्म होने के बाद और इसका कुशन कवर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, अब ये सेकंड रो का कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फिर फाइनल हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर आ जाएंगे। और इसके बाद इसको हम इस तरह से, फिर ईच पेटल्स को जो है इस तरह से, ये करने के बाद हमको क्या करना है, टू पेटल्स वन साइड, टू पेटल वन साइड करके हमको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से सेकेंड रो यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि डबल स्टिच कर लेना है, ये धागा स्ट्रेच नहीं करना, ये धागा देखिए इस तरह से लूज है और यहाँ पर हम डबल कर लेंगे तो फिर ये धागा यहीं रुक जाएगा। और आपने मेरे चैनल को पहली बार खोला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस तरह से टोटल हमको पूरा कंप्लीट कर लेना है इसको, टू टाइम्स कम से कम इसको स्टिच करना है। देखिए इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर इधर आने के बाद ये पतली पतली स्ट्राइप्स टाइप की बनती चली जाएगी। इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे हमको कि कैसा लगता है।
स्टिच करके रेडी कर दिया। इस तरह से स्टिच करने के बाद बीच में देखिए इस तरह से स्ट्राइप्स बन जाता है ये। और उसके बाद इस तरह से कर करके मैंने पिंस लगा दिए, इस तरह से देखिए पिंस लगा दिए हैं ये। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अपने आप इस तरह का स्ट्राइप्स बन जाएगा। और उसके बाद आप उसको पिन लगा करके सारा रेडी कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद सिलाई कर देंगे, इसके बैक कवर बना लेंगे। ये देखिए बनने के बाद आपको ये, तो मैंने छोटे पीस में आपको बताया कि किस तरह से स्टिच करने के बाद ये आता है। बैक साइड में इसका ऐसे डिज़ाइन है और फ्रंट साइड में इस तरह से स्ट्राइप्स बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह का कुशन कवर आपका रेडी हो जाएगा। कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लग रहा है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको और बहुत इजी से बन जाएगा। सिंपल स्टिच है इसमें। रेडी होने के बाद देखिए कुशन कवर कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसका बैक कवर भी इस तरह से बना दिया है, टू पीस में कट करके इस तरह से सिल देना है। और ये देखिए कि ये आपका कुशन कवर रेडी हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करेंगे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।